जय हिंद कमांडोज, मैं योगी दागरे वायरस डिफेंस क्लास चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो कमांडोज, मैं आपके लिए लेके आया हूं एनडी एग्ज़ाम और सीडीएस एग्ज़ाम से पहले, एक दिन पहले आपके लिए रामबाण औषधि ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित होगा। करेंट अफेयर्स की सीरीज का है, कौन क्या है, वर्तमान में नई नियुक्तियाँ कौन सी हुई हैं, चाहे वो रेलवे से संबंधित हों, चाहे वो प्रशासनिक विभाग से संबंधित हों, चाहे वो NSG से संबंधित हों, चाहे वो अपनी सेना से संबंधित हों, उन सब से संबंधित है। तो कमांडोज, इस सेशन को शुरू करने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल वायरस डिफेंस क्लासेस यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करके जितने भी नोटिफिकेशंस चैनल पे आते हैं उनको प्राप्त करें और हर उस शख्स तक पहुंचाएं जिसे नवीनतम जानकारियों की आवश्यकता है। तो कमांडोज, मैं योगी दागरे आपका इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और मैं यही कहना चाहूँगा अपने कमांडोज से जो कल परीक्षा देने जा रहे हैं NDA और CDS की। तो कमांडोज, ध्यान रखना कि अगर उड़ना है तो अपना आसमान ढूंढो, अगर उड़ना है तो अपना आसमान ढूंढो, भीड़ से अलग अपनी पहचान ढूंढो, वरना मर के शमशान ढूंढो, वरना मर के शमशान ढूंढो। कमांडोज, अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है ना तो भीड़ के साथ मत चलो, और अपनी शक्तियों को पहचानो और शेर की तरह अकेले चलना शुरू करो, क्योंकि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है ना उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। तो कमांडो, सेशन जल्दी से ही शुरू करते हैं। तो अभी हमारे सेशन में वर्तमान में कौन क्या है, सबसे पहले है भारतीय रेलवे RRB, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, CEO है VK त्रिपाठी। कौन है कमांडो? VK त्रिपाठी इसके CEO हैं। वहीं रेलवे बोर्ड की संख्या कितनी है? 21 है। रेलवे जोन्स की संख्या कितनी है? 18 है। नया रेलवे जोन कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे नया रेलवे जोन है। वहीं अगर हम बात करें कमांडो, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में है। वहीं रेलवे मंत्री कौन है? अश्विनी लोहानी रेलवे मंत्री हैं। वहीं अध्यक्ष CEO है VK त्रिपाठी। तो ये आपका सेशन कंप्लीट हुआ। 16 अप्रैल 1853 में सबसे पहले जो है महाराष्ट्र में रेलवे की शुरुआत की गई 34 किलोमीटर में, मुंबई से ठाणे के बीच में। अगला नेक्स्ट सेशन है वर्तमान में कौन क्या है? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, और इसके अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी, लोकसभा विपक्षी दल के नेता हैं ये। क्या कार्य है लोक लेखा समिति का? कार्य है इसका भारत सरकार के खर्चों का लेखा जोखा रखना। वहीं लोक लेखा समिति को PAC को प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। वहीं लोकलेखा समिति को प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। वही कमांडो, पब्लिक अकाउंट सर्विस या कमेटी की हम बात करें PAC की, इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं और 7 सदस्य किसके होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। वहीं 7 सदस्य किसके होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। वहीं कमांडो, अगले सेशन की अगर हम बात करें, लोकसभा और राज्यसभा की बात करें, तो लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला हैं, कोटा राजस्थान से हैं, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष का पद अभी रिक्त है। वहीं महासचिव कौन है उत्पल कुमार सिंह हैं। वहीं राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा सदस्य बनने की उम्र मिनिमम कितनी है?
मिनिमम उम्र कितनी है इसकी? 25 वर्ष है। वही राज्यसभा के सदस्य की उम्र कितनी है? 30 वर्ष है। लोकसभा में अध्यक्ष होता है, राज्यसभा में सभापति होता है। सभापति कौन है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही सभापति होते हैं। वही उपसभापति कौन है? हरवंश नारायण सिंह। हरवंश नारायण सिंह उपसभापति हैं। महासचिव पीसी मोदी हैं। लोकसभा राज्यसभा की बात करने के बाद अगर हम बात करें लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की बात की जाती है, तो ट्रिक है हमारी सरल, यानी संसद में किसकी बात की गई है? 79 अनुच्छेद में संसद की बात की गई है। राज्यसभा की बात 80 अनुच्छेद में की गई है। वही लोकसभा की बात की गई है 81 अनुच्छेद में। तो आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, आर्टिकल 80 में संसद के बारे में, 79 में। अब बात करते हैं कमांडो भारत के राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द रिपब्लिकन एथिक्स। राष्ट्रपति के बारे में संविधान में आर्टिकल 52 में बताया गया है। वहीं सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार के दूसरे राज्यपाल जो राष्ट्रपति बने बने थे, पहले जाकिर हुसैन थे। ठीक है, ये बिहार के दूसरे राज्यपाल हैं जो राष्ट्रपति बने। इनसे पहले कौन थे? जाकिर हुसैन थे। राष्ट्रपति के बारे में 52 में बताया गया है। अगर इसमें हम 11 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के बारे में फिर 11 ऐड कर दें तो किसके बारे में बात की जाएगी? मंत्रिमंडल के बारे में। तो हमें समझ में आया राष्ट्रपति वर्तमान कौन है। 13वीं राष्ट्रपति जो है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। वहीं उपराष्ट्रपति की बात करें 63 अनुच्छेद में बताया गया वेंकैया नायडू जो 13वें नंबर के हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्हें पहले पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी कहा जाता है। तो कमांडो जो आपको यहाँ तक समझ में आया, अब हम बात करते हैं अगले सेशन की, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 15वें प्रधानमंत्री हैं भारत के। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। इन्होंने कई पुस्तकें लिख दी हैं। एक तो ज्योति पुंज, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। एग्जाम वॉरियर, अ जर्नी पोएम, एडोव ऑफ लव, इतनी सारी पुस्तकें इन्होंने विमोचित कर दी हैं। वहीं सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के कौन हाल ही में ये अध्यक्ष बनाए गए हैं? सोमनाथ मंदिर आपको पता सौराष्ट्र में है, गुजरात में है। ठीक है, जिस पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था 1025 में। वहीं बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI कौन है वर्तमान में? के वेणुगोपाल है। और महान्यायवादी होता कौन है? भारत का पहला विधिक अधिकारी होता है। और महान्यायवादी की सहायता के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? SGI की नियुक्ति की जाती है। तो 76 में AGI के बारे में बताया गया, वहीं 165 में SGI के बारे में बताया गया। अब बात कर लेते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया SGI के बारे में, कौन है वर्तमान में? तुषार मेहता है। ये भारत का दूसरा विधिक अधिकारी होता है। और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया किसे बनाया गया? चेतन शर्मा को बनाया गया। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज में हम बात करें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 में इनकी चर्चा की गई है। और वर्तमान में 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इनसे पहले 13वें नंबर के राजीव महर्षि थे। 6 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, और लास्ट उम्र है 65 वर्ष। वहीं महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करें खाली महालेखा परीक्षक की, तो 26वें महालेखा परीक्षक है सोनाली सिंह। 25वें थे दीपक दास, और इन्हें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कहा जाता है, CGA कहा जाता है, उन्हें CAG कहा जाता है। वहीं नेक्स्ट सेशन की बात करें RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई, पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ, राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। वहीं वर्तमान गवर्नर 25वें शक्तिकांत दास गुप्ता हैं। 2018 में इनकी नियुक्ति की गई। वहीं उप गवर्नर हैं माइकल पात्रा, राजेश्वर राव, TB शंकर, और वहीं महेश कुमार जैन।
डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। आरबीआई नोट जारी करता है, बैंकों का बैंक कहलाता है। अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना हुई, नई नई करेंसी जारी करता है। नेक्स्ट बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की अपनी एक फुल फॉर्म है, नीति आयोग की अपनी एक फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, सीईओ अमिताभ कांत हैं। पुराना नाम इसका योजना आयोग था, जिसकी स्थापना 15 जनवरी 1950 को हुई। समाप्त हुआ योजना आयोग 2014 में, पुनः नीति आयोग के नाम से 1 जनवरी 2015 में इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। नीति आयोग जो कि एक योजना आयोग था, पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन करता था। अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में लागू हो चुकी है, 2017 तक अंतिम 12 भी लागू हुई थी। वहीं बात करें नेक्स्ट, भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल है। लोकपाल की शुरुआत स्वीडन से हुई 1809 में, ऑम्बड्समैन कहा जाता है ने शुरुआत की। भारत में शुरुआत 2014 में हुई है। इसका कार्य भ्रष्टाचार को मिटाना, उस पर कार्रवाई करना होता है। वहीं बात करें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, सीडीएस का गठन 2014 में किया गया। पहले सीडीएस थे विपिन रावत, जिनका हाल ही में शहीद हुए। सीडीएस कमेटी के अध्यक्ष इस समय वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवणे हैं, और पहले कौन थे, विपिन रावत जी थे। क्या कार्य है इसका, भारत के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार हैं, जो तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को बनाए रखते हैं, तो वो सीडीएस है। अब कमांडो बात करते हैं अगले पेज की, तो एसबीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, दिनेश कुमार खारा। एमडी कौन है, स्वामीनाथन जानकी रमन। इसका गठन 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से, पुनर्गठन 1809 में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से, उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी 1921 में, और 1 जुलाई 1955 को इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तब्दील कर दिया गया। ये भारत की सबसे बड़ी और पुरानी बैंक मानी जाती है, और ऐसी बैंक जिसके सबसे ज़्यादा शाखाएँ हैं विदेशों में। अब हम बात करते हैं इसरो की। इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके वर्तमान डायरेक्टर डॉक्टर एस स्वामीनाथन है। इनसे पहले के सिवान थे, जिन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई कमांडोस और विक्रम साराभाई द्वारा की गई। मुख्यालय बेंगलुरु में है, जिसे साइलेंट वैली कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है, साइलेंट वैली केरल को कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। कई बहुत सारे अच्छे अच्छे मिशन इसने किए, 2008 में चंद्रयान फर्स्ट किया, 2014 में मंगलयान किया, 19 में चंद्रयान टू किया, है ना, मंगलयान 2024 में टू की प्लानिंग है, शुक्रयान बहुत सारे ऐसे पेंडिंग में हैं जो अभी इन्हें करने हैं। तो इसरो इस समय बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्थिति में चल रहा है। वहीं हम बात करें डीआरडीओ की, जो हमारी सेना को सपोर्ट करता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके महानिदेशक हैं सतीश रेड्डी। स्थापना डीआरडीओ की 1958 में हुई। मुख्यालय इसका कहाँ है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट सेशन की अगर हम बात करें तो आरआरबी की बात हम कर चुके हैं, पेज रिपीटेड है, कोई बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कैबिनेट सचिव की बात कर लेते हैं। राजीव गाबा है, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागरेश्वरन है, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। अब बहुत ही काम का टॉपिक हमारा, जैसे एग्जाम को हम देने जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है, 27वें नंबर के हैं जो प्रेजेंट में, विवेक राम चौधरी। और विवेक राम चौधरी जी से पहले आर के सिंह भदौरिया 26वें वायुसेना प्रमुख थे, एयर चीफ मार्शल थे। एयर फोर्स का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो लाइन क्या है, नभस्पर्शम दीप्तम। वहीं उप प्रमुख है संदीप सिंह। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को 1932 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। पुराना नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स। पहले प्रमुख कौन थे, सुब्रतो मुखर्जी। वहीं अब बात करें भारतीय नौसेना की, भारतीय नौसेना के 24वें नौसेना प्रमुख कौन थे, तो 24वें नौसेना प्रमुख कौन थे, कमेंट करें जल्दी से। वहीं 25वें नौसेना प्रमुख हैं हरि कुमार
और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 1940 से ये अस्तित्व में आई। पहले नौसेना अध्यक्ष आर डी कटारी थे। आदर्श वाक्य क्या है, मोटो लाइन क्या है? सन्नो वर्णम। एडमिरल सबसे बड़ा पद है इसमें, वही एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल था। भारतीय थल सेना प्रमुख इंडियन आर्मी के कौन है? तो 27वें नंबर के कौन थे? मनोज मुकुंद नरवणे जी से पहले कौन थे? जल्दी से कमेंट करें। वहीं सबसे पहले थल सेना अध्यक्ष कौन थे? के एम करियप्पा। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे पुराना सेना है ये, सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म इनका आदर्श वाक्य है। तो ये हमें जानकारी हुई। वहीं हम बात करें नेक्स्ट पेज की, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हमें मिलने वाले हैं। वर्तमान में कौन क्या है, न्यू अपडेट्स हैं। भारत पे चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार है। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? संजीव मेहता है। फिक्की के महानिदेशक कौन है? अरुण चावला है। भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? संबित पात्रा है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख कौन है? वीवीएस लक्ष्मण है। एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन है? अतुल कारवाल है। वही बीआरओ के महानिदेशक कौन है? राजीव चौधरी है। एआईआर ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक कौन है? वेणुधर रेड्डी है। भारत के सबसे युवा मेयर कौन है? आर राजेंद्रन है, तिरुवनंतपुरम केरल के। नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? रेखा एम मेनन है। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? विनीत जोशी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हर्ष चौहान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के विजय संपला है। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल सहनी है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। वहीं बात करें कमांडोज अगले पेज की, तो सेबी, सेबी के प्रमुख कौन है? अजय त्यागी है। मुख्यालय इसका कहाँ है सेबी में? सेबी का मुंबई में है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे। वही सिडबी जो छोटी बैंकों को लोन उपलब्ध कराता है, सिवाय श्रवण, मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। नाबार्ड रूरल बैंकों का एक संघ है। जी आर चिंतला इसके अध्यक्ष हैं। देश के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन है? अशोक कुमार है। आईसीएमआर के निदेशक कौन है? बलराम भार्गव है। वहीं डब्ल्यूटीओ के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख एजेंसी हैं ये। डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक कौन है? नगोजी ओकोंजी इवेला है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेश हैं, पुर्तगाल के हैं ये। संयुक्त राष्ट्र महासचिव महासभा के अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला साहिद है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? टेड्रस अधानम है। आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास हैं। डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक कौन है? आंद्रे ओजले हैं। विशेष ध्यान दें, क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। वहीं हम बात करें यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी हैं। यूपीएससी की स्थापना कभी? 1926 में हुई। किस आयोग के तहत हुई? ली आयोग के तहत हुई। पुराना नाम क्या था? लोक सेवा आयोग था। लोक सेवा के जनक कौन कहा जाता है? लॉर्ड कार्नवालिस को कहा जाता है। उम्र 21 से 18 साल की गई थी लॉर्ड लिटन के समय में, और रिपन के समय में 18 से 21 कर दी गई। संविधान स्थापना 1950 के बाद संघ लोक सेवा आयोग इसका नाम हो गया। किस आर्टिकल के तहत इसकी चर्चा की जाती है? 312 से 315 के तहत इसकी क्या की जाती है? चर्चा की जाती है। वहीं हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले हैं, न्यूजीलैंड के हैं। इनसे पहले कौन थे? शशांक मनोहर थे, वो भारत के थे। सीईओ कौन है? जोसेफ एलाडीज हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ये, और स्थापना 1909 में हुई इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के नाम। 1965 में चेंज आईसीसी हो गया, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नाम जो चेंज हुआ 1965 में हुआ। वहीं बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली हैं, जो 29वें अध्यक्ष हैं। सचिव जैसा है। फर्स्ट टीम कोच राहुल द्रविड़ है। महिला टीम कोच कौन है? रमेश पवार है। ये भी दोनों इंपोर्टेंट है। दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड माना जाता है। स्थापना 1928 में हुई, और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मुंबई में है। UIDAI भारत विशिष्ट पहचान आधार के अध्यक्ष कौन है? जय सत्यनारायण है। यह भारत सरकार की एक संस्था है जो आधार लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसका उद्देश्य भारतवासियों को एक विशिष्ट पहचान संख्या देना है जो 12 अंकों का होता है। आधार अंक पता है सबको, 12 अंक का होता है। शुरुआत 2009 में हुई, और कहाँ पर हुई? मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली में है। फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वही हम बात करें नेक्स्ट सेशन की कमांडोज, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सुरेश एन पटेल हैं इसके। दूसरा, यह भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। वही मुख्य चुनाव आयुक्त तो CEC चीफ इलेक्शन कमीशन सुशील चंद्रा हैं। 24वें नंबर के हैं ये। पहले चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन थे, कई बार पूछे गए हैं। 2 चुनाव डिप्टी कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद पांडे और राजीव कुमार। चुनाव आयोग के प्रमुख कौन
उत्तर नियुक्ति कौन करता है चुनाव आयोग के प्रमुख की? राष्ट्रपति करते हैं। स्थापना कब हुई उसकी? 1950 में हुई। किस भाग में मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई? भाग 15 में, 324 से 329 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा है। वहीं हम बात करें, पूर्व सूचना आयुक्त विमल जुल्का थे। 3 वर्ष की नियुक्ति होती है, 65 वर्ष मैक्सिमम है। केंद्रीय सूचना आयोग स्थापना इसकी कब हुई? 2005 में। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कहा जाता है इसे। वहीं हम बात करें, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC कहा जाता है, अरुण कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। 1993 में इसकी स्थापना हुई। काम क्या है? मानव अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहा जाता है, 3 वर्ष की नियुक्ति की जाती है, 70 वर्ष इसमें मैक्सिमम होता है। वहीं 15वें वित्त आयोग की बात करें, 2021 से 26 के लिए चलेगा, जो NK सिंह है। 14वें नंबर की बात करें, YV रेड्डी हैं। 5 सदस्यों वाला एक संवैधानिक यूनिट है। और किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की जाती है वित्त आयोग की? 280 आर्टिकल में की जाती है। और केंद्र और राज्यों के बीच में टैक्स का वितरण करना इसका क्या होता है? काम होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। ये 9वें नंबर की अध्यक्ष बनी है। स्थापना 1992 में। महिला सशक्तिकरण को क्या देना? प्रभावशाली बनाना इस आयोग का मुख्य उद्देश्य है। वहीं हम बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है और इसकी हम चर्चा कर चुके हैं पहले। IB की बात करें हम, IB तो इंटेलिजेंस ब्यूरो कहा जाता है इसे। और निदेशक इसके कौन है? अरविंद कुमार है। वहीं खुफिया विभाग भी कहा जाता है। 1887 में इसकी स्थापना हुई, नहीं 1987 में इसकी स्थापना हुई, सॉरी मिसप्रिंट है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इंडिया का विशेषकर है। निदेशक सामंत गोयल है इसके। 1968 में इसकी स्थापना हुई। मुंबई में मुख्यालय है। गुप्तचर संस्था है, आतंकवादियों के गुप्त ऑपरेशन की जानकारी क्या करता है? इकट्ठा करता है। वहीं हम बात करें, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानिदेशक कुलदीप सिंह है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहा जाता है इसे। 2009 में इसकी स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आतंकवाद के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में ये काम करती है। वहीं हम बात करें, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की अगर हम बात करें, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना डॉक्टर होमी जागीर भाभा ने की। 1954 में इसकी स्थापना की गई। अजीत कुमार मोहंती इसके निदेशक है वर्तमान। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बलराम भार्गव इसके महानिदेशक हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कहा जाता है। 1911 में इसकी स्थापना की गई। वहीं CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, निदेशक सुबोध जायसवाल। 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना की गई। देश की तरफ अपराधों के मामलों की जाँच करना है। कार्यकाल इसका क्या रहता है? 2 साल के लिए रहता है। वहीं आपने इतने सारे पॉइंट्स पढ़े, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कर देना, ये आपके लिए इस समय एक दवाई की तरह साबित होगी। तो कमांडोज, अभी भी जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, है ना, और बेल आइकन दबा लें अच्छे से और लाइक कर लें, ठीक है, कमेंट्स करें, है ना, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। तो कमांडोज यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है वायरस डिफेंस क्लासेस। जॉइन टुडे फॉर बेटर टुमारो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है। आपको कैसा लगा ये सेशन कमेंट्स करके बताना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।